कहानी नहीं है, राजस्थान के बिचुन गांव की मनभर देवी। बचपन में ही 400 रुपए के लिए ब्याह दी गई। सिलाई काम में पति रोज ठगा जाता, पर वो निरक्षरता से लाचार था। पिता की मृत्यु पर जायदाद के कागजात पर अंगूठा लगाया और दाने दाने को मोहताज हो गया। अब तो वो मनभर को शरीर बेचने कहने लगा। निरक्षरता के इस नरक से भागकर मनभर ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की राह ली। वहां पढ़ाई लिखाई के साथ साथ समाज सेविका बनने का प्रशिक्षण पाया। अपने अधिकार जाने कानूनी कागज पर अंगूठा लगवा दिया। कोर्ट कचहरी के डर से जेठ ने काफी हिस्सा लौटा दिया। आज मनभर दूसरों को पढ़ा रही हैं, जागरूक होकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं। पढ़ना लिखना जिंदगी को ये कहानी नहीं है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राजस्थान के बिचुन गांव की मनभर देवी 400 रुपए के लिए बचपन में ही ब्याही गई। निरक्षर पति रोज ठगा जाता। जब जायदाद भी जाती रही तो मनभर को बेचना चाहा, पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने मदद की, अक्षर ज्ञान दिया, अधिकार समझाए, समाज सेविका भी बनाया। आज मनभर देवी दूसरों को प्रोत्साहन दे रही है, पढ़ाकर आगे बढ़ा रही है। ये कहानी नहीं है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन।